रांची डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में 8 बाल कैदी बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ बाल कैदियों को लगातार परेशान किया जा रहा था, इसी से आक्रोशित होकर बाल कैदियों ने अपने ही 8 साथियों को बेरहमी से पीटा है। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में रविवार के सुबह बाल कैदियों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में बाल कैदियों के बीच जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा बाल कैदी घायल हो गए हैं। सभी घायल बाल कैदियों को रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ बाल कैदियों को गंभीर चोटें लगी हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाल सुधार गृह में कुछ बड़े उम्र के बाल कैदी हैं, जो अपने से छोटे बाल कैदियों पर अपनी हुकूमत चलाते थे। बड़े होने का फायदा उठाकर उनसे कई तरह के काम करवाते थे। जो बाल कैदी काम नहीं करता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी। यह महीने से चल रहा था। कुछ बाल कैदी इसे लेकर अपने से सीनियर बाल कैदियों का विरोध भी करते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते थे। इसी बीच शुक्रवार को हुए एक बाल कैदी की पिटाई किए जाने के जूनियर बाल कैदी आक्रोशित हो गए। उन्होंने सीनियर बाल कैदियों का विरोध करने के लिए ठान ली। जूनियर बाल कैदियों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अब वो सीनियर बाल कैदियों की बातें नहीं मानेंगे। रविवार की सुबह भी एक सीनियर बाल कैदी ने जूनियर बाल कैदियों को किसी बात पर डांटा और फटकारना शुरू किया। उसके बाद एक साथ सभी जूनियर कैदी मिलकर सीनियर कैदियों से भिड़ गए। देखते ही देखते जूनियर बाल कैदियों ने अपने सीनियर बाल कैदियों की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान कई जूनियर कैदियों को भी चोटें लगी हैं। मारपीट इतनी भयानक थी कि कई सीनियर कैदियों के सिर फूट गए। वहीं बाल सुधार गृह में झड़प के बाद पूरे बाल सुधार गृह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाल कैदी आपस में किस तरह बात को लेकर भिड़े थे, इस बात की जांच की जा रही है। रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर बने हुए हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।